जो लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि गैस पर खाना बनाने से कैंसर नहीं होता, कोई रिसर्च बताओ, कोई प्रूफ बताओ, तो ये रहा आपके सामने प्रूफ। पॉसिबल कैंसर इज एसोसिएट विथ द ईटिंग फूड कुक्ड ओवर द फ्लेम। तो इसकी संभावना है कि जो खाना सीधा फ्लेम पे पकाया जाता है वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसी पर श्रीनिवासन रामानी ने कुछ लिखा है, तो ये आपको मैं पूरी रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है। और इस पर इन्होंने किस रेफरेंस में दिया है वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, द रिस ईट फुलकास और रोटी आर द कुक ऑन द फ्लेम्स और ऑफ ए गैस चारकोल स्टोव इज दिस मेड वर्स देन केमिकल प्रेजेंट इन द गैस फ्लेम। जो चारकोल वगैरह पे जो रोटी सेकी जाती है, कोयले पे या चूल्हे पे जो रोटी से बनाई जाती है, उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर रोटी सीधी गैस पर सेकी जाए। तो ये संभावना बताई जाती है कि हेट्रोसाइक्लिक एनिमाइज एनिमाइज एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक ये वो सब में गैसों में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैंसर गवर्नमेंट जो अमेरिका की एक है उसने भी अपनी रिसर्च बताई है, मीट कंजप्शन के बारे में बताया यहाँ पर कैंसर। तो यहाँ पे ये देखिए सीधी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, केमिकल इन मीट कुक एट हाई टेम्परेचर कैन सर रिस्क। ओके, तो ये है, देख लीजिए पूरी डिटेल में बताया गया है। अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये देखिए आपको बता देता हूँ, ये सोर्स क्या है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। सो उन्होंने ये रिसर्च किया, ये थे एमजॉन, मरीना सी सल्टन, रश्मि सिन्हा एंड जोसलिन को सब ने मिलकर ये रिसर्च किया और ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। तो इसका ये DOI है, आप खुद जाके इसको सर्च कर सकते हो और इसका लिंक मिल जाएगा। फ्री PCM आर्टिकल है, फ्री मिलेगा, फुल आर्टिकल है, आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद से कोई नहीं बोलेगा कि रिसर्च पेपर बताओ, रिसर्च पेपर बताओ, ये रही रिसर्च, ठीक है।